जी आप, आपको चोट लगी हुई है? जी मुझे चोट लगी है। इस चोट में भी आप मैच देखने आए, क्या जज्बात थे आपके? मेरे जज्बात इतने अच्छे थे कि मैं मैच देखने आ रही थी तो मेरा एक्सीडेंट रास्ते में हुआ है, तो फिर भी मैं मैच देखने आई हूँ। इधर ही फर्स्ट एड इधर ही हुई है मेरी। यहाँ आके जब आपने देखा कि कभी पाकिस्तान जीत रहा है कभी हार रहा है, तो आपकी तबीयत मजीद ख़राब तो नहीं, दिल कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं, मुझे बहुत यकीन था अपने पाकिस्तान पे। अच्छा। और हमेशा मैं यकीन रखती हूँ जब तो जीतता है। आज की जो हमारी बैटिंग है उतनी खास नहीं रही, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बाबर आजम फिर नहीं चले, लेकिन हारिस ने भी साहब ने अच्छा किया था, बाद में सही थी, बाद में सही हो गई थी, पहले पहले ऐसे हुआ था लेकिन बाद में सही हो गई थी। तो खासतौर पर आखिरी ओवर में आपको यकीन था कि पाकिस्तान जीतेगा या क्या होगा? मुझे बहुत यकीन था, मैं आगे जाके खड़ी हो गई थी ऐसे इसी कंडीशन में कि पाकिस्तान ने ही जीतना है इंशाल्लाह ताला। तो आप इतनी डाई हार्ड फैन है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, आगे एशिया कप हम हार गए हैं तो डिसअपॉइंट नहीं होती आप फिर भी आपको उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान जीतेगा? हाँ जी, हमेशा मुझे अपने पाकिस्तान टीम पे यकीन था और रहेगा, और इंशाल्लाह फाइनल भी हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। एक तो अपना नाम बताएं और आज की मैच के बारे में बताएं। मेरा नाम एहसन है और आज मैं बड़े दिनों के बाद मैच देखने के लिए आया था। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ये ऐड करना चाहता हूँ, जो इंग्लैंड के कमेंटेटर हैं नासिर हुसैन, वो कहते हैं 1 मिनट डाउन 1 मिनट अप। आज पाकिस्तान ने वो करके दिखाया, लीस्ट टोटल था, लीस्ट टोटल को डिफेंड किया है। और आने वाला जो वर्ल्ड कप है, किसी टीम के पास 4 पेसर नहीं है जो 150 डाल सकें। सो पाकिस्तान इंशाल्लाह विल विन दिस वर्ल्ड कप। एक तो अपना नाम बताएं और ये बताएं कि सनसनी के मैच के बारे में आपके क्या जज्बात थे? जी मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद है, हम सियालकोट से स्पेशली मैच देखने के लिए आए थे, और माशाल्लाह जो जज्बा था हमारी वाम का, जो हमने मैच देखा माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया हमें। पाकिस्तान की बैटिंग आज फ्लॉप हुई है, उसके बाद डिसअपॉइंट है, परेशान है आप? पहले पहले परेशान थे, और जब उनकी देखा है यानी कि उनकी भागदौड़, उनका जज्बा देखा है, तो माशाल्लाह जो है ना हमें हौसला अफजाई होगी कि हाँ जी इंशाल्लाह हम फिर एक मरतबा जीतेंगे। अच्छा ये बताएं कि आमिर जमाल की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कि नए खिलाड़ी हैं उनको वर्ल्ड कप में होना चाहिए? जी माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। जी भाई एक तो अपना नाम बताएं और बताएं आज के मैच कैसा लगा आपको? मेरा नाम फिदान है, आज का मैच बहुत अच्छा था, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा खेला है, सबसे अच्छा मैं उन्होंने खेला है। पाकिस्तान ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, बैटिंग अगर अच्छी नहीं हुई तो कभी कभी हो जाता है, उनकी तरफ से भी उन्होंने फील्डिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की, बस ये डिपेंड करता है कैच विन द मैच। आज कैच कोई ड्रॉप नहीं किया था, सारे कैच ही पकड़े गए और जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो बैटिंग है हमारी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बैटिंग लाइन अच्छी थी, आपको पता है डिफरेंट पिचेस पे आया है, पहले हम कराची में खेले थे, कराची सीधा लाहौर आया, तो प्लेयर्स के लिए डिफिकल्ट होगा कि वहाँ पे किस तरह खेला जाएगा। सही। तो यही था, दोनों प्लेयर्स को क्रेडिट देते दोनों टीमों के, सबने अच्छा खेला, मिलकर खेला, आखिरी गेंद तक बैठ गया। थैंक यू भाई। एक तो अपना नाम बताएं और ये बताएं कि पाकिस्तान कभी हार रहा था कभी जीत रहा था, क्या जज्बात थे आपके? जी बिल्कुल ये सिचुएशन थी, मेरा नाम मोहम्मद शहजेब और मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से, हम स्पेशली मैच देखने के लिए कल से यहाँ पे हैं, ठीक है, लाहौर में। और पाकिस्तान की सिचुएशन कभी भी ऐसी हो सकती है, अगर आप देखेंगे देखें ना कि 99% पाकिस्तान हार रहा है, तो आप अगर ये यकीन कर लें कि पाकिस्तान जीतेगा तो पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। ये ऐसी टीम है इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक तो अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आज का जो सनसनी का मैच था वो कैसा लगा आपको? मेरा नाम है मोहम्मद रियान रजा और आज का मैच मुझे बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत बेहतरीन थी और पाकिस्तान काफ़ी अच्छा खेला है। अच्छा आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। तो पाकिस्तान जीतने की खुशी में कल छुट्टी करेंगे? हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई एक तो अपना नाम बता दें और दूसरा बताएं कि आज का मैच आपको कैसा लगा सनसनी खेज कांटेदार? मेरा नाम अबरार है, मैं फैसलाबाद से आया हूँ। मैच बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, मैच बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने, लेकिन मैच में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, जो हारिस रूफ ने बॉलिंग करवाई बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है, और मैं क्रेडिट देता हूँ बॉलिंग को कि बहुत अच्छा उन्होंने बॉलिंग करवाई है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है और आपके, आपने देखा सनसनी का मैच था तो आपके जज्बात क्या थे, कभी पाकिस्तान हार रहा है कभी जीत रहे हैं? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सैयद फजाइल हुसैन नकवी, पाकिस्तान की आमिर आया, बहुत कमाल टैलेंट पाकिस्तान ने आगे लाया है, हमें चाहते हैं कि पर्चियों को निकालें और ऐसे टैलेंट आगे लाएं। उसकी जो एक एक बाल थी पूरे मैच में, जो भी जिसने हारिस रऊफ ने किसी ने बॉलिंग की है, कमाल बॉलिंग की है, एक एक बाल उस निकला था कि यार हम मैच जीतेंगे नहीं।
हमारे हमें उम्मीद नहीं थी कि हम मैच जीत जाएंगे, पर हम जीत गए हैं। आई लव पाकिस्तान, ऐसे टैलेंट आगे लाएं और इंशाल्लाह हम आगे निकलेंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद।